ठीक है, आइए हम आज का अभ्यास शुरू करते हैं। पिछले के दिनों में हमने अभ्यास कौन सा देखा था? चार था। चौथे अभ्यास में हम लोग रचनानुवाद कौमुदी का जो चौथा अभ्यास है संस्कृत बनाव वाला अभ्यास कर लिए थे। किसी को यहाँ कोई दिक्कत? फिर अब आज जो है एक बार देखते हैं पांचवा अभ्यास आगे चल के। चौथे अभ्यास का तो जो नियम नंबर है एकदम सरल है, इसमें है कुछ नहीं। अभ्यास पांच आज का विषय हमारा, कहते हैं जनक यानी पिता, पुत्र पुत्र, सूर्य सूर्य, चंद्रमा चंद्र यानी चंद्रमा, सज्जन सज्जन, दुर्जन दुर्जन, प्राज्ञ विद्वान, लोक संसार या लोक, उपाध्याय गुरु, शिष्य शिष्य, प्रश्न प्रश्न, क्रोश कोष, धर्म धर्म, सागर समुद्र। अब यहाँ तक के शब्दों को क्या बता दिए? संज्ञा या सर्वनाम शब्द होते हैं क वाले के अंतर्गत, और ख वाले में क्या बता रहे हैं? क्रिया रूप। तुद अर्थात दुख देना, ईश माने चाहना, स्पृश माने छूना, प्रक्ष माने पूछना। अब ये चार जो हैं क्रिया रूपों को बताए हैं। फिर अब बताते हैं अभितः माने दोनों ओर, अरितः अर्थात चारों ओर, समया माने समीप, निकषा माने समीप, इन दोनों का अर्थ समीप में ऐसा अर्थ होता है। हा माने दुख है या खेद है, प्रति माने ओर, अनु माने पीछे। अब एक चीज देखिए, लिखा जाता है दुख और दूसरा क्या है, यहाँ विसर्ग रहेगा कि नहीं? क्यों क्यों नहीं रहेगा? नहीं क्यों रहेगा? आप इसका चिंतन किए कभी? बता रहे हैं ये उपसर्ग होते हैं, इनसे बनते हैं, इसका विसर्ग हो जाता है तब बनता है दुख, और इसमें तो है नहीं कुछ, इसके आगे सु उपसर्ग ही है तो इससे बन जाएगा सुख। क्या ठीक है? ऐसे ही छोटी छोटी त्रुटियों को अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो ऐसा नहीं कि परीक्षा कुछ टफ है। परीक्षा में जो कठिन होता है वो सबके लिए कठिन होता है, केवल सरल सही कर ले जाइए, सरल में कहीं कोई त्रुटि ना करने पाइए बस। ठीक है आगे चलते हैं। सूचना बता रहे हैं क यानी कि जनक से सागर तक कैसे रूप चलेगा? रामवत। और ख यानी कि तुद जो धातु रूप है, तुद से लेकर के प्रक्ष तक कैसे चलेगा? भवति भवतः भवन्ति तक। जैसे व्याकरण में बता रहे हैं राम शब्द का रूप यहाँ बताएंगे, लट लकार प्रथम और संबोधन द्वितीय, इनका जो व्याकरण के नियम है लट लकार का बताएंगे, प्रथमा व्यक्ति का बताएंगे, संबोधन और द्वितीय व्यक्ति को बताएंगे। शब्द रूप में बता रहे हैं राम शब्द के पूरे रूप स्मरण करो, आपको याद है फिर भी एक बार स्मरण करिए, फिर भी पढ़िए, पढ़ने में बहुत समय नहीं लगेगा, बस ज़्यादा से ज़्यादा हम समझते हैं कि आधे मिनट नहीं लगेगा, तो उतनी देर में आप रगड़ दीजिए। देखो शब्द रूप संख्या एक, खोल लीजिए शब्द रूप संख्या एक, वैसे शब्द रूप और धातु रूप का चल ही रहा है, रामः रामौ रामाः, रामम रामौ रामान, रामेण रामाभ्याम रामैः, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः, रामात रामाभ्याम रामेभ्यः, रामस्य रामयोः रामाणाम, रामे रामयोः रामेषु, हे राम हे रामौ हे रामाः। आप लोग पलट लीजिए, अभ्यास पांच पे आ जाइए। अभ्यास
अभ्यास पांच पे आ गए। कौन सा सही है? क्या रहेगा इसमें? हलंत रहेगा, यानी कि ये वाला क्या हो गया? गलत हो गया। इन सब पे विशेष ध्यान, यही सब पूछे जाते हैं परीक्षा में। अब रामह नहीं पूछेगा, पूछेगा हलंत विसर्ग कहाँ दिक्कत करता है, वही केवल पूछेगा। उसका वही ध्येय रहता है कि इसको याद है अभ्यर्थी को कि नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। राम शब्द के संक्षिप्त रूप लगाकर रूप बनावें। नियम 16 इन शब्दों में लगेगा। राम, पुत्र, सूर्य, चंद्र, शिष्य, धर्म, सागर, सभी अकारांत पुल्लिंग शब्द के रूप राम के तुल्य चलेंगे। तो अकारांत आप समझ लिए, ठीक है। आइए अब देखते हैं धातु रूप। धातु रूप भू धातु का लट लकार वर्तमान काल के अर्थ में प्रयुक्त होती है। इसका रूप चलता है भवति भवतः भवन्ति, ऐसा नहीं भवति भवतः भवन्ति नहीं, भवति भवतः भवन्ति, भवसि भवतः भवतः, भवामि भवावः भवामः। ठीक है, आगे चलते हैं। सूचना, ये तुद आदि के रूप भवति के तुल्य चलेंगे, जैसे तुदति तुदतः तुदन्ति, ऐसे ही इसको आप लोग करिएगा। इच्छति इच्छतः इच्छन्ति, स्पृशति स्पृशतः स्पृशन्ति, ऐसे ही रूप चलेंगे इनके, जैसे पृक्षति पृक्षतः पृक्षन्ति। लट लोट लंग विधिलिंग में ईश को इच्छ आदेश हो जाता है और प्रक्ष को पृक्ष। मूल धातु ये है, ये होता है, इसका रूप कैसे चलता है? पृक्षति पृक्षतः पृक्षन्ति, ऐसे चलता है। ठीक है, इसको ध्यान दे, ये पूछ भी सकता है, पूछने योग्य प्रश्न है ना। आप बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा ऐसा कि धातु ये है या धातु ये है, इनमें कंफ्यूजन एकदम स्वाभाविक सी बात है, हर व्यक्ति को होती है। तो धातु कौन सी है इसमें? प्रक्ष धातु। आगे चलते हैं। कारक, यहाँ कारक के नियमों को भी बताएंगे। प्रथमा और संबोधन और द्वितीया के नियमों का इसमें बताएंगे। सबसे पहले नियम नंबर 10 देखते हैं। कर्ता यानी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम आदि, जैसे मान लीजिए मोहन, सोहन, गंगा, पुस्तक, पेड़ इत्यादि, सब ये सब नाम हैं। कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, जैसे रामः पठति, रामः पठति, यहाँ राम पढ़ रहा है, पठन क्रिया का कार्य कौन संपादित कर रहा है? राम, इसलिए राम हो जाएगा कर्ता। और राम कर क्या रहा है, कौन सी क्रिया? पठन की क्रिया कर रहा है, पढ़ने की क्रिया कर रहा है, इसलिए पठति हो जाएगी क्रिया। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी को संबोधन करने पुकारने में संबोधन विभक्ति होती, जैसे हे राम, आप लोगों ने अभी पढ़ा हे राम, हे रामौ, हे रामाह, इसी प्रकार से ये भी, जैसे मान लीजिए हे, कोई कह दिया हे राम यहाँ आओ, तो क्या करेंगे? अच्छा एक चीज आप लोग केयर किए हैं, हमारे दादा ओदाजी भी संस्कृत जानते थे, कहते क्या थे कि हे राम, जब कोई संकट आता था तो कहते हे राम, तो वो तो जानते थे राम को पुकार रहे हैं ना, राम का संबोधन कर रहे हैं ना, तो जानते थे कि नहीं जानते थे? तो हम लोग काहे नहीं जानेंगे संस्कृत। तो आइए, जैसे हे कृष्ण, उसी प्रकार से है, वो हे कृष्ण है संबोधन में। नियम नंबर 12 है कर्तुर इप्सित तमम कर्म। कर्तुहु माने कर्ता का, षष्ठी विभक्ति में है, इप्सित तमम यानी कि जो अत्यंत इप्सित तम है, इप्सित तम, इसकी क्या होती है? कर्म संज्ञा होती है। ये क्या कैसा सूत्र है? कर्म संज्ञा करता है ये। कर्ता जिसको व्यक्ति या वस्तु या क्रिया को बहुत ज्यादा चाहता है उसे कर्म कहते हैं।
यानी कि कर्ता का जो सबसे ज्यादा इप्सितम है, जिसको वह चाह रहा है, वो क्या है? कर्म। अब नियम नंबर 13, कर्मणि द्वितीया। पहले ये इस सूत्र से कर्तुरीप्सितम कर्म से कर्म संज्ञा होगी तभी कर्मणि द्वितीया लगेगी। अगर मान लीजिए पूछ देता है राम फल खाता है, रामः फलम खादति, इस पद में किस सूत्र से द्वितीया हुई है? कर्तुरीप्सितमं कर्म, इसकी कर्म संज्ञा करता है। कर्म संज्ञा जब हो जाएगी तो कर्मणि द्वितीया में, यानी कि जिसकी कर्म संज्ञा होती है उसकी द्वितीया व्यक्ति में रखेंगे, तो इसमें कर्मणि द्वितीया से द्वितीया व्यक्ति। अगर पूछेगा किससे कर्म संज्ञा हुई है, कर्तुरीप्सितमं कर्म से। ठीक है, आगे चलें, आगे चलते हैं। जैसे रामः विद्यालयम गच्छति, तो यहाँ भी विद्यालयम पद में द्वितीय विभक्ति हुई, वहां जाने की क्रिया किसको अभिप्रेत है? कर्ता को। स पुस्तकम पठति, वह पुस्तक को पढ़ता है। पठन क्रिया के द्वारा सबसे ज्यादा इप्सितम क्या है? पुस्तक, तो इसलिए पुस्तक में द्वितीय हो गई। रामः स रामम पश्यति, वह राम को देखता है, तो देखने की क्रिया के द्वारा सबसे ज्यादा इष्टतम क्या है? राम, तो राम में द्वितीया हो जाएगी। स फलम इच्छति, वह फल को चाहता है, तो चाहने की क्रिया के द्वारा सबसे ज्यादा क्या चाह रहा है? वो फल को, इसलिए फलम में कर्तुरीप्सितम कर्म से कर्म संज्ञा इसकी हो जाएगी, उसके द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी। ठीक, ते प्रश्नम पृच्छन्ति, पूछने की क्रिया के द्वारा सबसे ज्यादा क्या चाह रहा है? प्रश्न को पूछना चाह रहा है, इसलिए प्रश्न में द्वितीय व्यक्ति होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अभितः परितः समया निकषा हा प्रति अनु के साथ द्वितीया होती है। जैसे ग्रामम अभितः, अभित अभी बताए थे ना ऊपर, अभिता माने दोनों ओर, अभितः माने चारों ओर नहीं होता, परितः मतलब चारों ओर, तो अभिता माने दोनों ओर। ऊपर देखिए फिर से, समय माने समीप, निकषा माने भी समीप होता है, हा माने दुख या खेद है, प्रति माने ओर, जैसे वह विद्यालय की ओर जाता है। सह विद्यालयम प्रति गच्छति, अनु माने पीछे, जैसे आता है ना स्मृतेर अनुगच्छत, स्मृति के पीछे पीछे चलती है, उसी प्रकार से ये भी है। अगला है नियम नंबर 15, गति माने चलना, हिलना या जाना। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सूत्र है, इस नियम को आप ऐसे समझिए कि इसका प्रयोग साहित्य में बहुत सी जगहों पर किया गया है। गति यानी कि चलना, हिलना, जाना अर्थ वाली धातुओं के साथ द्वितीय व्यक्ति होती है। जैसे ग्रामम गच्छति, गांव को जाता है, वनम गच्छत, वनम विचरति, वन में चलता है, तृप्तिम गच्छत यानी कि तृप्त हो जाता है, स्मृतिम गच्छत यानी कि याद स्मृति में चला जाता है, स्मृति स्मरण को करता है, चिंतन करता है। यहाँ गति का अर्थ मतलब यह है, जहां भी किसी भी प्रकार की कोई गति पाई जाए, जैसे अभी एक सूत्र आएगा, अभी कारक में है, उसको आगे हम बताएंगे, उससे आप लोग एकदम एकदम पूर्ण रूप से एकदम संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ क्यों होती है। ठीक, जैसे आता है ना कि मनसा हरिम ब्रजति, मन के द्वारा हरि के पास जाता है, हाँ बताएंगे वो तमाम सूत्र जो ऐसे हैं उसको हम बताएंगे, अभी आगे आएगा। तो ये हो गया नियम, नियम में किसी को कोई समस्या? एक बार देख लीजिए आप लोग, फिर कहीं से कोई दिक्कत, फिर हम अभ्यास 5 का उदाहरण वाक्य बता लेते हैं। किसी भी पद का अर्थ न समझ में आया हो तो बता दें, अभी फिर भी माल अभी नहीं आ रहा है, बाद में नहीं आएगा तो फिर पूछ सकते हैं, इसमें वो नहीं है कि आज ही पूछना है। ठीक है, तब हम अभ्यास 5 के उदाहरण वाक्य को देखते हैं। वह गांव को जाता है, रामः, राम गांव को जाता है, रामः ग्रामम गच्छति। अच्छा, कुछ लोग टिप्पणी इस पे करते हैं कि अरे ऐसा बोल दिए कि नारद को मारने आ रहा है, सुनने में आया है। अरे भाई,
कोई एक दिन में पूर्ण विद्वान थोड़ी ना हो जाएगा। हम कह रहे हैं कि मंच है, यहाँ से हो सकता है किसी संभावना है कि त्रुटि हो गई होगी, जबान है, स्लिप हो जाती है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी की भी जबान स्लिप हो जाती है तो क्या उसके जबान काट देंगे उसकी हम? वो केवल एक स्लिप ऑफ टंग है, केवल मात्र जबान का फिसलना भर है। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जान रहा है, जो प्रवक्ता का इंटरव्यू दे के आया है ऐसा नहीं है कोई नहीं जान रहा है कि नारद मारने जा रहे हैं, कौन मारने जा रहा है। ठीक है, अपने प्रकरण पे आते हैं, ज़्यादा विषयांतर नहीं होना चाहिए। ग्रामम अभितः जलम अस्ति, गाँव के अभितः माने दोनों ओर क्या है, जलम अस्ति। यहाँ जलम और अस्ति में देख रहे हैं ना, माँ रहेगा आगे स्वर है, इसलिए ग्रामम परितः वनम अस्ति, परितः माने चारों ओर क्या है, वन है। ग्रामम समया पाठशाला अस्ति, गांव के समया माने पास में नजदीक में क्या है, पाठशाला है। विद्यालयम निकषा गच्छति, निकषा माने पास, समया और निकषा इन दोनों पदों का पास अर्थ में प्रयोग किया जाता है, विद्यालय के पास जाता है। दुर्जन के लिए खेत, हा दुर्जनम, इसमें हा अव्यय का प्रयोग बताए थे ना, उसी का यहाँ प्रयोग बता रहे हैं कि विद्यालयम प्रति गच्छति, विद्यालय की ओर जाता है। रामम अनु गच्छति, रामम अनु माने राम के पीछे, गच्छति माने चलती है या चलता है। गृहम चलति, गृहम माने घर को, चलति माने गच्छति माने जाता है। क्रोशम गच्छति, कोष भर जाता है, अब बताइए क्या है। जलम पिबति यानी जल को पीता है, पीने के द्वारा सबसे अभिप्रेत क्या है, जल, इसलिए द्वितीय हुई है। पुस्तकम पठति, पुस्तक को पढ़ता है। यहाँ तक के अभ्यास वाक्यों में किसी को कोई समस्या? ठीक है, एक पद मुझे आ रहा है, सब दोनों सही है कि एक सही है? दोनों सही हैं। मित्र शब्द का क्या अर्थ होता है? पुल्लिंग में रहेगा तो सूर्य हो जाएगा और मित्रम रहेगा तो सखा या मित्र। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो आज कौमुदी का पाठ यहीं तक, फिर कल से इसका देखेंगे संस्कृत बनाव वाला भाग। ठीक है, धन्यवाद, और आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर दिया करिए।